हाय गाइस, दिस इज समीक्षा सिंह वॉचिंग माय चैनल फूड पैराडाइज। गाइस, आज हम बात करेंगे विटामिन डी के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि विटामिन डी हमारे हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हमारी बोन स्ट्रांग रहती हैं, हमारा इम्यून सिस्टम इससे ठीक रहता है, और जो बीपी है वो भी रेगुलेट रहता है, ना बढ़ने देता है ना कम होने देता है, और साथ ही साथ इसके साथ जो हम लोग एक्टिव भी रहते हैं और हेल्दी रहते हैं। एक सर्वे में पता लगा है कि जो हमारे इंडिया में 70% जो लोग हैं उनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, जबकि यहाँ हमारे इंडिया में सारा साल धूप रहती है। तो आप लोग घर पे ही बैठे पता लगा सकते हैं कि आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है या नहीं। तो इसके साइंस एंड सिम्टम्स मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि जॉइंट पेन होना, स्पेशली बैक पेन, आर्थराइटिस, लो इम्यूनिटी, जैसे कि आप जल्दी बीमार हो जाते हो, ठीक नहीं होते, हेयर फॉल, फटीग होना और टायर्डनेस जैसी कई प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आप लोग बिना दवाई खाए विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है उसको कैसे पूरा कर सकते हैं, और इसका मेन सोर्स है सन, क्योंकि सनलाइट जो है अवेलेबल रहती है, हर टाइम फ्री होती है, नेचुरल प्योर फॉर्म में मिलती है, तो ये सबसे बेस्ट सोर्स है हमारा विटामिन डी का। तो पहली टेक्निक है सन को यूज करने की, सन बेथिंग, जिसमें आपको सनलाइट में बैठना होता है, और इसके बैठने भी कुछ नियम होते हैं जो मैं आपको बताती हूँ। पहला है समय, हमें कितने टाइम के लिए धूप में बैठना है। हमें धूप में 30 मिनट के लिए बैठना है, 15 मिनट पेट के बल और 15 मिनट पीठ के बल, क्योंकि पेट और पीठ का जो अब्सॉर्प्शन है विटामिन डी का जल्दी होता है और ज़्यादा होता है, तो ये हमें बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें। एक हफ्ते में 3 या 4 दिन हमें ये करना है, और समय बैठने का सुबह या शाम जब धूप माइल्ड होती है तब। एक तो कड़क धूप में नहीं बैठना, क्योंकि इससे स्किन टैनिंग या बर्निंग सेंसेशन हो सकती है, और खुली हवा में बैठना है, ग्लास के पीछे नहीं बैठना, और कम से कम कपड़े पहनने या सफ़ेद रंग के कपड़े पहन सकते हैं आप। अगर आपको लगता है कि आपको बर्निंग सेंसेशन हो रही है या पसीना आ रहा है बहुत, तो आप अंदर चले जाएं, क्योंकि हमें सूरज की रोशनी चाहिए, गर्मी नहीं। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको फेस खराब हो जाएगा या कुछ, तो आप अपना फेस को कवर करके भी ढक के सूरज की रोशनी में बैठ सकते हैं। और अगली टेक्निक है सन चार्ज वाटर, यानी कि आपको जो पानी है, नॉर्मल पानी लेना, आरओ का पानी नहीं लेना, आप उसको ग्लास जार में रख के 5 से 8 घंटे रखें और उसको पिएं, और उसको बाद में 5 से 8 घंटे रखने के बाद उसको आपने ना ही उसको रेफ्रिजरेट करना है और ना ही उसको प्लास्टिक की बॉटल में डालना, आपने उसको ऐसे ही कंज्यूम करना है अगले 24 घंटे। तो आपको इससे काफ़ी फायदा होगा, आपकी देखना बोन्स भी स्ट्रांग होंगी और आप एक्टिव भी होंगे। और अब मैं आपको बताती हूँ कि आप डाइट के थ्रू जो विटामिन डी के डेफिशिएंसी को कैसे दूर कर सकते हैं। तो उसके लिए हम ले सकते हैं देसी काउ मिल्क, जिसको A2 मिल्क भी बोलते हैं, सन ड्राइड मशरूम्स, जिसको आप मशरूम्स को धो के और धूप में सुखा के वो यूज करें, देसी घी, सैलमन एंड फैटी फिश, एग्स, योगर्ट, चेडर चीज, सोया प्रोडक्ट्स और ऑरेंज, जैसी आप ले सकते हैं चीज़ें। तो अगर आपको ये मेरी टिप्स अच्छी लगी हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल फूड पैराडाइज। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।